हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? हाँ। खैरियत से है? हाँ, खैरियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमला भी खैरियत से है। कब आ रहे हैं जी? आते आते बोल के आ रहे नहीं, शादी करके भाग गए सो अब तक नहीं आए। कम से कम मेरे को तो भी बुला लेना था। कब तक रहेगा पिंजरे में मैं? ऐसा नहीं करना ना, शादी के वक्त तो बोले सऊदी जाते वीजा भिजा देता हूँ बोले। अब तक ना वीजा आया ना मट्टी आई ना धूल आई। वैसे खैर हमला ठीक है, सुकून में है, आ टेंशन न कर लियो। और हाँ, तुम्हारे अम्मा उठे तो ताना बैठे तो ताना मारे, जर्रा रोटी डालना क्या सिखा दिया मेरे को, एहसान कर दिए जैसा कर रहे। और क्या बोल रही, हीरे जैसे बेटे को उजाड़ दुल्हन लाली मैं कते। क्या मैं ऑफर में मिली उनको जो उठा के ला लिए मेरे को? अब हमारे अम्मा बा हमारे को फूलों में रखे जैसा रखे थे, कुछ भी हुआ तो चले जाती हूँ घर को। खैर हमला ठीक है, सुकून में, आज टेंशन न कर लियो। और वो क्या है, तुम्हारे बहना बात करेगी घर को आ जा रहे, आए तो आए तो अम्मा के घर को पसर जा रही। अब हमारे को हमारे घर को जाना है बोल तो मसल मसल के छोड़ते ही नहीं, खुद के बच्चियाँ हैं तो उफ तक नहीं बोलते, और मेरे को नौकरानी के जैसा कर डाले। हर थोड़ी देर को चाय बनाओ, ये बना के दियो, वो बना के दियो, उन लोगों की खिदमत करने आई मैं। तुम्हारे अम्मा को तो पूछो ना, को हर थोड़े दिन को मेरे को कपड़े धुला रहे। मैं बोली उनको जरा एक नौकरानी रख लो बोले तो नहीं कहते, तुम है ना कहते। तुम्हारे पप्पा अच्छे जी, कुछ भी बोलते नहीं, खाली तुम्हारे एक अम्मा ही छे, मेरा जीना हराम कर दिए सो। खैर सुकून में हूँ मैं, आप टेंशन न लियो। परसों आपके खलेरे भाई की शादी में गई थी, वहाँ उन्होंने फिरदौस है नहीं फिरदौस आई थी, ऐसे पोजा मार रही थी, ऐसे खट्टे पोजा मार रही थी। अब्बा पूछो नको, इतना सोना पहन के ऐसा दिखा लेते फिर ये बाबा। मैं पूछी उसको क्या हुआ, खैरियत से है क्या बोले तो? मेरे को क्या बोल रही मालूम, उसके शोहर कहते हर महीने की 32 तारीख को नया सोना दिलाते कहते। मैं बोली अम्मा कितनी झूठी है देखो। फिर मेरे को भी जैसे पूछी उन्हें तुम आपको क्या दिलाते तुम्हारे शोहर बोलते। मैं बोली मेरे शोहर हमको हर महीने हीरे की अंगूठी दिलाते है बोली। फिर ने पूछी कहाँ है पूछी तो मैं बोली नहीं उन्होंने पैक करके रखे भी जाते कोई भी आए तो वहां से यहाँ। अब ऐसी बातों बातों में क्या करी मालूम, बहस कर ली मैं उससे। खैर हमला ठीक है, आप टेंशन न कर लियो। और वो क्या है, तुम टेंथ में दो बार फेल हुई कहते ना, मैं वो अलमारी सेंचुरी तो टेंथ के मेमोज मिले मेरे को, शादी के वक्त तो बच्चा हमारा टॉपर है बल्कि चिपका दिए मेरे को। और अपना जाफर भी बड़ा हो रहा जी, साइकिल दिलाओ बल्कि जिद कर रहा। कब भी जाते जी पैसे, पैसे भी जाए तो जरा घर में नक्को भी जाओ, बोल दे रही हूँ गबन कर ले रहे ना पैसे। फिर पूछे तो क्या बोल रही, हमारा बच्चा हमारे हाथ से भी जाया कहते। और क्या है जी, बुरखा पुराना हो गया मेरा, कब भी जाते जी नया बुरखा। लोग तो मेरे को तुम्हारे अम्मा की बहनी समझ रहे मेरे को। और वो परसून जो चॉकलेटों का डब्बा भी जाते नहीं, तुम्हारे अम्मा उनके नवासों में बांट दिए पूरा, जाफर के आस्ते रखे नहीं, फुल किर करी मेरी। अब क्या बोले जैसा है कुछ भी उजाड़, किस्मत मेरी अब सऊदी का वीजा है बोल के मान गई थी मैं। और तुम्हारा भाई निकल गया आखिरी आशिक में पड़ गया, भाभी पटाखे दियो कहते, मैं भी डरा दी। तुम्हारे भाई को बोल देती हूँ बोल के, और जरा आपके आते हो खत मोटे होके आओ, और जरूरत की चीजा लेके आओ, और टैंक का डब्बा लाना नको भूलो। खैर हमला ठीक है, सुकून में है, आप टेंशन नको लियो। परसों तुम्हारे फुफुआ फुल बातें कर दिए मेरे को, मैं हॉली हूँ कते, मैं मिलनसार नहीं हूँ कते, मैं रुखी हूँ कते, भूल गए कते वो दिना मेहंदी अंदर ला लेते सो मेरे से, जरा शब्बो माँ हमारे बच्चियों को मेहंदी डाल दो ना माँ बोल के। ये किधर आके फंस गई थी मैं उजाड़, अच्छा MBBS ले लेती तो शादी से बच जाती थी, जा जाके फ्लास BCOM ली और सेकेंड ईयर में शादी कर डाले मेरी। और तुम्हारे अम्मा को समझा लो क्या बोल रहे हो नु, मैं कहते तुम्हारे रप्पस में ले ली कहते, अम्मा बा से दूर कर दी कहते, ज्यादा नहीं हो रहा उनका ओवर ही बोल रहे हो नु, ज्यादा बोले तो मैं हमारे अम्मी के घर को चले जाती हूँ, फिर ला लो बोलो उनको एक नई नौकरानी। और ये पकवानों का तो पूछो न को, ये बनाओ वो बनाओ, और तुम्हारे अम्मा क्या बोल रही, उन्होंने कहते उनके जमाने में सौद मंगा पकवान बनाते थे कहते, आ जाते थे उनके खाने बुकड़ा, अब हमारे बाबा बावर्चियों को बुला के खिस्सा खत्म कर देते थे। और खैर जाने दो, आप क्या करते सुन के सब बात।
आप अपना ख्याल रखो। हमला ठीक है, सुकून में है, आप टेंशन न कर लियो। और क्या है, हर बात को पकड़ ले रही मेरी, इंसानी छो ना, कई को ऐसा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। और तुम भी मेरे को सऊदी बुला रहे नहीं, जब देखो जब तुम अपना फिर रहे, ये लोग अपना खा रहे पी रहे, मेरी जिंदगी को लप्पे लगा दिए। खैर अब रखो, तुम्हारे सामने कुछ बोले जैसा नहीं है, तुम तुम्हारे अम्मा बाबा की सुनते, मेरी कई को सुनेंगे। मेरे को तुम इसलिए शादी करके लेके आए, तुम तुम्हारे अम्मा बाबा की खिदमत करने के वास्ते, मैं भी बर्दाश्त कर ले रही हूँ, जान दो बोल के। अब मैं मेरी आखिरत के वास्ते सोच के बर्दाश्त कर ले रही हूँ। मैं रखती हूँ अब, आप अपना ख्याल रखो, कभी अपनी बीवी को भी सपोर्ट कर लिया करो, वरना सिंगल मदर बोल के निकल जाती हूँ जाफर को लेके। अब तक तो कुछ भी नहीं बोली मैं आपको, ऐसे ऐसे हरकत है आपके घर वालों के, एक बार वीजा दे के बुलाओ, मेरे को ऐसे ऐसे चीजा बोलती हूँ। आप इस देखो जी, खुद के शहर से बात करने के आसे बाहर निकल के आना पड़ा, वो इस घर में नहीं बात कर सकते। क्या सिखा दे रही की बहू हमारी बेटे को, मेरे लाल जैसे बेटे को ऐसा सोच ले रही, क्या तो भी है जी ये, कई को ऐसा जिंदगी कर दी मेरी। बुला लो बोल तो सुन रहे भी नहीं मेरी बात आप। खैर मैं तो ठीक हूँ, सुकून में हूँ, आप टेंशन न को लियो। चलो रख रही हूँ मैं, ख्याल रखो आप आपका, फिर बोलेंगे तुम्हारे अम्मा कहाँ चले गई घर की बहू इतनी देर तक, अभी तक नहीं आई। फिर तुम्हारे बहना भी है ना, लगाओ बुझाओ कामा करने वाले, आप अपना ख्याल रखो। हाँ क्या बोल रही हूँ मैं, बुला लो मेरे को, नहीं रह सकती मैं। हाँ चलो रख रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं देखना चाहूँगा इस वीडियो पे, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ फन। और जो भी जो वीडियो है बिल्कुल टिपिकल हैदराबादी वाइस की एक वीडियो है, जो शायद हर कोई नहीं करता होगा, लोगों से नए पे हमला नहीं रहते, लेकिन थोड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसा करते हैं एंड बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। और आपको सबसे बेस्ट कंप्लेंट क्या दिखी ये बीवी की, आप कमेंट करिए। और जितनी भी भाई के पुराने वीडियोस है आप जाके देखिए कंत्रिका से, क्योंकि कंत्रिका इज पुटिंग डेथ।